जिले के बड़ांगाबाद थाना अंतर्गत आने वाले गांव भदोरा के रहने वाले एक ही परिवार के 30 से 35 लोग टीकमगढ़ शहर से महज 18 किलोमीटर दूर स्थित शक्तिपीठ बगास माता मंदिर जवार विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रोड से नीचे अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना शुक्रवार की सुबह 8 बजे की है। घटना की सूचना राहगीरों द्वारा संबंधित थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने 108 व डायल 100 की मदद से सभी घायलों को टीकमगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर नाबालिग गंगाराम यादव उम्र 17 वर्ष को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं अन्य घायलों को टीकमगढ़ जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल चाल जानने के लिए टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के हाल चाल जाने, वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से घायल हुए लोगों को देखने जिला अस्पताल पहुंचे टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।